हम लोग खेलने वाले हैं मसल रेस 3D चैलेंज। अरे अर्जुन तुम सबको क्या पता कि मेरे पास कितनी ढेर सारी पावर है। अरे आप तो हम लोगों ने देख लिया, बाकी सारे तो पावर ले लिया और ये जान गई का तो वहीं पर बुद्ध की तरह खड़ा है। लगता है बॉस ने तो जमार कोटा खा लिया है। तुम लोग मेरी पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते, इन सबको पावर लेने दो और देखते जाओ मैं इनको कैसे मार दूंगा। मुझे तो लगता है अर्जुन बाकी के बॉडी बिल्डर से मार करने वाला है। और अभी देखते जाओ मैं अपनी पावर से इस क्यूब को कैसे हिलाता हूँ। अरे दोस्तों देख ली ना आपने जान की पावर, ये तो बीच में ही रुक गया। और बॉस आपको आप फिर से पावर लेनी चाहिए। और इस ब्लू वाले बॉडी बिल्डर के डोले शोले तो देखो, इसने तो कितनी ढेर सारी पावर बना ली और ये के जान को इसने मार दिया। इस मोटे गहरे लकूड जान को तो मैंने पहले कह दिया था कि तुम्हें पावर लेनी चाहिए, लेकिन ये बेचारा तो हमारी सुनता ही नहीं है। और बाकी के दो बॉडी बिल्डर तो क्यूब को हिलाकर लग रहे राउंड से चले गए हैं। इन्हें बढ़ने दो, लेकिन ये मेरे से जीत नहीं सकते क्योंकि मैं हूँ जान और मेरे पास तो ढेर सारी पावर है। ओए जाले तो इस कमजोर को अपनी पावर से गिरा दिया। अरे बॉस कमोन कमोन, आपके आगे तो इन बच्चों को हराना कोई बड़ी चीज नहीं है। और अब मेरी मन्नत तो जान, तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, वहाँ पर तो तुम्हारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर इंतजार कर रहे हैं। ओके ये मैंने इस क्यूब का जोर लगाया और मैं तो इस राउंड में आ गया। ओ माय गॉड, ये तो कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर है और ये क्या, इसने तो जान को आते साथ ही मार दिया। और अब तो जान में से बढ़िया ही नजर आ रही है। इन सबसे तो मैं गिन गिन के बदले लूंगा, एक बार मुझे ये सारी पावर फिर से लेने तो देखते जाओ मैं इनके साथ क्या करता हूँ। और हाँ दोस्तों, अभी भी जान के पास काफी ढेर सारे ना चांसेस है कि वो इस चैलेंज को जीत पाए, काफी ढेर सारे इनाम भी ले पाए। और ये देखो, इसीलिए मैंने फिर से अपनी पावर को बढ़ाकर इन बॉडी बिल्डर को मारना शुरू कर दिया। ओके वो सब आपको जल्दी करने पड़ेगी ताकि आप इन सबसे जीत पाए। लेकिन ये बेचारे तो छोटे मोटे बॉडी बिल्डर्स का मरता जा रहा है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तुम इस क्यूब को हिलाकर दिखाओ। और ये देखो अब मैंने अपनी पावर इसके ऊपर लगा दिया और मैंने तो इस क्यूब को हिला दिया और लाद में पहुंचा दिया। लेकिन अगले राउंड तक पहुंचने के लिए आपको बॉस और भी पावर चाहिए होगी। अब मैं फिर से आ चुका हूँ सारी पावर लेने के लिए। एक बात तुम्हें बताना ही भूल गया, एक बॉडी बिल्डर तो लास्ट में पहुंचने ही वाला है, और अगर वो लास्ट में पहुंच गया तो जान तो ये चैलेंज हार जाएगा। अरे बॉस आप तो इन सारे बॉडी बिल्डर का मुंह देख ही जा रहे हैं और बस एक ही को मारते जा रहे हैं। मेरी मानो तो आपको जल्दी से इस क्यूब को जाकर हिलाना पड़ेगा। ओके मैं आ चुका हूँ फिर से, ये मैंने इस क्यूब को हिलाकर नेक्स्ट राउंड में एंट्री ले ली। ओके लगता है जान तो शॉर्टकट यूज कर रहा है। और देख ली ना तुमने मेरी पावर का कमाल, मैं तो इस तरफ से जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या देखना पड़ा है, जान तो इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बन चुका है और ये तो नेक्स्ट राउंड में आ चुका है। और अब तो बॉस की बॉडी भी काफी बड़ी हो चुकी है। और अगले राउंड में पहुंचने के लिए जान तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों क्यों क्यों, तैयारी तैयारी तो मुझे आती नहीं है। अरे बॉस लेकिन आपको जीतने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। ओके ये मैंने जॉब की ली, लेकिन पानी तो बहुत ठंडा है। ओके जान तो फाइनली नेक्स्ट राउंड में आ चुका है। ओके बॉस अब आपको सिर्फ एक बॉडी बिल्डर को हराना है और आप इस चैलेंज को जीत जाएंगे। लेकिन इस बॉडी बिल्डर को हराना इतना भी आसान नहीं है, वो तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुका है और ये क्या जान को तो इस बॉडी बिल्डर ने हरा दिया। और आप इन सारे बॉडी बिल्डरों को हरा कर लास्ट में इस चैलेंज को जीतने के लिए नोबिता मैदान में उतर चुका है। बेचारे चश्मी नोबिता ने अभी पावर इकट्ठी नहीं की और इस क्यूब को हिलाने आया। और आप मुझे बहुत गुस्सा है, मैं तो इस क्यूब को हिला कर दम लूंगा। पर नोबिता बैड लक, तुम्हारी पावर से तो ये इंच बराबर भी नहीं हिला। नोबिता एक बात तो अपने पेज में डाल लो, अगर तुमने ये पावर नहीं ली तो तुम्हारी पावर रद्दी बराबर भी नहीं पड़ेगी। अरे सिंचैन तुमने तो मेरी बंद आंखों को खोल दिया और इसीलिए ना मैं ये सारी पावर कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी बढ़ पाए। नोबिता फिक्र मत करो, तुम्हारी आंखें तो पक्की पक्की बंद होने वाली है जब ये बॉडी बिल्डर तुम्हें एक गुस्से से मार डालेंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ये देखो मैंने भी अपनी पावर को बढ़ा लिया है और मेरी बॉडी कितनी ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अरे वाकई में नोबिता तो इन सबसे बड़ा लग रहा है और ये देखो ये तो सारे बॉडी बिल्डर को मारता जा रहा है। और अब मुझे अपनी पावर को टेस्ट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने इस क्यूब को हिला कर ना कहां तक पहुंचा दिया। कमोन आप तुम्हें जल्दी से वापस आना पड़ेगा और ये डमर को उठाकर और भी पावर लेनी पड़ेगी। और अब इन सारे बॉडी बिल्डर को हराने के लिए मुझे पता चल चुका है मुझे सारी पावर कलेक्ट करनी है। अच्छा हुआ चश्मी नोबिता के भेजे में भी कोई बात आ गई, वरना मैं तो समझा था कि बॉडी बिल्डर इसको मार मार के ही मार देंगे। ओके अब यार ऐसी नौबत तो नहीं आने वाली क्योंकि मैंने अपनी पावर को फिर से बढ़ा लिया और देख लिया ना ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी मेरे आगे रद्दी बराबर भी नहीं है। और अब
काफी टाइम सारे जिम का लीडर बन चुका है और ये देखो इस क्यूब को हिलाने जा रहे हैं। और वाह, इसने तो हिला दी और नेक्स्ट राउंड में एंट्री भी ले ली सबसे पहले। पता नहीं तुम लोग मुझे इतना कमजोर क्यों कह रहे थे, और देख लिया ना मैंने नेक्स्ट राउंड में एंट्री कर भी अपनी बॉडी को कितना बढ़ा दिया है, और अब मुझे शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। तरीकी क्या बात है, नोबिता तो शॉर्टकट से जा रहे हैं और उसकी बॉडी तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब नोबिता को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो कोई माँ का लाल भी नोबिता को हरा नहीं पाएगा। ओके, अब मैंने फिर से ये सारी पावर कलेक्ट कर ली और मुझे जल्दी से ना इस क्यूब को फिर से लाना पड़ेगा। और ये देखो मैंने नेक्स्ट राउंड में भी एंट्री ले ली। नोबिता तुम्हारी पावर को तो मैं तब मानूंगा जब तुम ये शॉर्टकट नहीं बल्कि इस दूसरे रास्ते से जाओगे। और हाँ, तुम्हें इस रास्ते से इस कैरेट को हटा कर जाना पड़ेगा। अरे तुम लोगों ने तो मुझे ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे मैंने सप्लीमेंट खाकर अपनी बॉडी बढ़ाई है, और आगे देखते जाओ मैं इन कैरेट को कैसे हिलाते जा रहा हूँ। क्या बात है, ये नोबिता तुम्हारी पावर का कमाल। नोबिता ने तो सारी कैरेट निकाल कर नेक्स्ट राउंड में भी एंट्री ले ली, और अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाया क्योंकि यहाँ तक पहुँचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और नोबिता बिल्कुल सच बोल रहा है, और अब नोबिता को जल्दी से ना स्विमिंग करनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट राउंड में एंटर हो पाए। हाँ वो चैन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब मुझे जल्दी से स्विमिंग करनी पड़ेगी, लेकिन गाइस ये ठंडा पानी ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ये किसी को भी मार सकता है। और अब नोबिता तुम सिर्फ एक राउंड रह चुके हो, तुम तो जीत जाओगे। क्या ये नोबिता जीत जाएगा, ऐसे तो हरगिज नहीं हो सकता। अरे यार लेकिन तुम्हें क्यों चैलेंज पाल हो रहा है, देखते जाओ मैं इस क्यूब को कैसे हिलाता हूँ। ये मैंने पावर लगाई और मैंने इस क्यूब को हिला दिया, और अब नोबिता को स्पिनर घुमाना पड़ेगा, और ये स्पिनर जहाँ पर भी रुकेगा नोबिता को वो पावर मिल जाएगी। ओके, मैंने घुमाया, लेट्स सी ये कहाँ पर आकर रुकता है। और ये स्पिनर तो जैक पोर्ट पर आकर रुक गया, और अब नोबिता तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये सारे कॉइन लेकर आप मुझे सारे बॉडी बिल्डर को मारना पड़ेगा। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्या 5-1 ऐसे तो इस बेचारे नोबिता ने मार खाली। ओके, मैं तो सिर्फ 4 बॉडी बिल्डर्स को मार पाया और लास्ट में नहीं पहुंच पाया। ओ, इन सारे बॉडी बिल्डर को हरा कर लास्ट में पहुंचने के लिए अब मैं मैदान में उतर चुका हूँ। ये नीली बिल्ली क्या टिकेगी, इसे तो बॉडी बिल्डर टिकने ही नहीं देंगे, और देख लिया ना इस बॉडी बिल्डर ने तो इसकी चकना चूर कर दी। कमल अब तुम्हें भी पावर लेनी पड़ेगी और बॉडी बिल्डर को मजा चुकाना पड़ेगा। मजा चुकाओ के गेला, बॉडी बिल्डर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं ये पावर ले रहा हूँ और ये सारी मेरी पावर को जाया करते जा रहे हैं। ए डरीमन, अगर ऐसे ही चलता रहे तो ये बॉडी बिल्डर तो तुम्हें कहीं का नहीं रहने देंगे। अरे वो सीता तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तुम्हारी पावर बढ़ी है तो तुम्हें इस पावर को जाया नहीं करना चाहिए, और जल्दी से अपने क्यूब के ऊपर ना ये सारी पावर लगा देनी चाहिए। और अब तो डोरेमोन लाख कोशिशों के बावजूद भी लास्ट में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बाकी के 2 बॉडी बिल्डर्स तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुके हैं, और ये 2 नमूने तो अभी तक फर्स्ट राउंड भी पार नहीं कर पाए। दोनों ही अब तो सिर्फ डोरेमोन अकेला रह चुका है। भाई लगता है नोबिता ने डोरेमोन को डोरा केक नहीं खिलाया इसीलिए इतना सुस्त बन चुका है। और अब मुझे लगता है ये जा रहा है इस क्यूब को हिलाने के लिए, और जोर लगा के यही है। और ये देखो मैं तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया। कल्लू ये बॉडी बिल्डर डोरेमोन तो फिर से आ गया, इसे हराना पड़ेगा, और इस बार तो ये छोटी साइकिल तुम्हें चला कर लेकर जानी पड़ेगी। ओके, साइकिल को चला कर तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये क्या मेरी सारी पावर तो जया हो गयी। डोरेमोन आई एम विद यू, अब तुम्हें जल्दी से सारी पावर लेनी पड़ेगी। इसने पावर ले ली, डोरेमोन तुम्हें पावर लेने का कहा था, इसे जया करने का नहीं। और अब तो इन सब के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ गया है। गुस्से का मतलब यह नहीं कि तुम डर के भाग जाओ, ये तो पिछले राउंड में चला गया। लगता है डोरेमोन संकी वंकी हो चुका है, और इनका एक गुस्सा पड़ने से तो इसका ब्रेन फिर गया है। वो तो मेरा पाँव फिसलने की वजह से पिछले राउंड में चला गया, तो ये देखो मैं फिर से आ चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से सारी पावर लेनी पड़ेगी। कमल तुम्हें कुछ ना कुछ करके ना इस राउंड को जीतना ही पड़ेगा, वरना ये सारी बॉडी बिल्डर तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरे आगे से हट जाओ। नो, इसने तो मुझे फिर से मारकर इतना कमजोर कर लिया, और मेरी सारी पावर तो जाया हो गई थी। मैंने तो पहले ही कह दिया था इस नीली बिल्ली से कुछ नहीं हो पाएगा। और हाँ, ये नीली बिल्ली तो अपने साथ हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। लगता है नोबिता डोरेमोन बहुत गुस्से में आ चुका है, इसीलिए इसने अपनी पावर के साथ ना अपनी बॉडी भी बना ली, और ये इसने साइकिल पर बैठा और नेक्स्ट राउंड में एंट्री ले ली। नीचे जब भी आएगा मैं सब कुचल दूंगा। और डोरेमोन को तो इसने फिर से कुचल दिया। अरे डोरेमोन, कहीं तुम सो तो नहीं रखे, तुम्हें शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा ताकि तुम इन सब बॉडी बिल्डर से ना जल्दी पहुंच पाओ नेक्स्ट राउंड में। हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मैंने शॉर्टकट यूज किया, और अब मैं तो नेक्स्ट राउंड में जाने वाला हूँ, मेरी बॉडी भी बढ़ चुकी है। ये हुई ना बात, अब तो डोरेमोन नेक्स्ट राउंड में आ चुका है, उसे जल्दी से पावर लेनी पड़ेगी। अरे ये तो सरासर चीटिंग है, डोरेमोन ने तो फिर से शॉर्टकट यूज कर लिया। क्या बात है, इन्हें तो जीतने की स्ट्रेटेजी पता चल चुकी है, और ये शॉर्टकट से होता हुआ मैं इस बार आ गया, और अब
तो मुझे इस बॉडी बिल्डर को सिर्फ बनाना है। कमन कमन अब तुम कर सकते हो। ये साइकिल पर बैठकर डोरेमोन लास्ट राउंड में पहुंच चुका है, उसने बॉडी बिल्डर को भी गिरा दिया और अब ये बॉडी बिल्डर चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकता। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ओ, इस बॉडी बिल्डर को तुम्हें हराने के लिए काफी पावर चाहिए होगी। अब तुम्हें जल्दी से इस क्यूब को हिलाकर नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए। ओके, इस राउंड में आ चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से स्पिनर को घुमाना है। लेट्स सी इस बार मेरा स्पिनर कहाँ पर रुकता है। क्या बात है, अब तो डोरेमोन को और भी ज्यादा पावर मिलने वाली है। और ये मैं पावरफुल बन गया और मुझे जल्दी से ये सारी पावर और भी कलेक्ट करनी है ताकि मैं इन सारे बॉडी बिल्डर को हरा पाऊँ। और अब तो ये सारे बॉडी बिल्डर डोरेमोन के आगे डमी बन चुके हैं। और ये मैंने इन सारों को मार दिया, मुझे जल्दी से इन सारे मनी को कलेक्ट करना है। ओह माय गॉड, अब तो डोरेमोन इस वर्ल्ड का किंग बन चुका है। अरे आपका स्वागत है। तो चलो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। डोरेमोन तो इस वर्ल्ड का किंग बन गया, लेकिन अगर आपका भी किंग बनना है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।